अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ईद की मुनासिबत बकरा ईद आ रही है, उसकी मुनासिबत से आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ अफगानी पुलाव। अफगानी पुलाव बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 4 गिलास चावल, ये सेला राइस है। यहाँ मैंने 1 किलो बकरे का गोश्त लिया है। यहाँ मैंने 1 अदद बड़ा प्याज लिया है, इसको मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। 3 मीडियम साइज की मैंने गाजरे ली हैं, इनको मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। किशमिश को मैंने यहाँ पे थोड़ा फैला दिया हुआ, इसलिए ये ज़्यादा लग रही है, लेकिन ये है 1 कप। स्पाइसेस में हमें सिर्फ चाहिए यहाँ पर नमक, जो मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, और ज़ीरा ये 1 टेबल स्पून है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ली हैं, और 2-3 सिनेमन स्टिक ली हैं, और ये मैंने बादाम लिए हैं, ऑलमोस्ट 200 ग्राम बादाम हैं, इनको मैंने बॉयल करके इनका छिलका उतार लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने ये वाले ग्लास लिए हैं जो मैंने 4 गिलास चावल के लिए यूज़ किए हैं, और 5 गिलास मैं इसमें पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, इसको हीट अप करूंगी, और फिर हम अपनी गाजरें इसमें फ्राई करेंगे। बकरा ईद के मौके पर किसी को पुलाव चाहिए होता है, किसी को बिरयानी, लेकिन ये खास डिश है जो अफगानी पुलाव, सभी को बनाना नहीं आता, बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार बनता है। हमने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं किया, क्रंची रखना है, क्योंकि बाद में जब हम इनको राइस में डालेंगे तो ये पूरी तरह से गल जाएगी। अब हम अपनी ये किशमिश फ्राई करेंगे इसमें। तो ये हमने 2 से 3 मिनट तक इनको फ्राई करना है। ये हमारी किशमिश फ्राई हो गई है। अब उसी बर्तन में मैं प्याज डाल रही हूँ, और हम अपनी हल्दी के मुताबिक डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, जैसा आप पसंद करते हैं अपने खाने में। हमने प्याज फुल ब्राउन नहीं करने, लाइट ब्राउन करने। ये देखिए, ये कलर हमने अपने प्याजों का रखना। अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर रही हूँ, अब हम इसको फ्राई करेंगे। समटाइम ऐसा होता है कि आपका गोश्त थोड़ा रेड होता है और हार्ड होता है, तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालना ताकि गोश्त गले नहीं। पाँच से 7 मिनट हो गए हैं मुझे इसको फ्राई करते हुए। अब मैं इसमें पानी डालूंगी ताकि हमारा गोश्त गले, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि ये ग्लास मैंने 4 गिलास चावलों के लिए थे, अब मैं ये 6 गिलास इसमें पानी डालूंगी। इसमें मैंने 6 गिलास पानी डाला है, 4 गिलास हमारे चावल हैं। अब मैं इसको गलने के लिए कवर कर दूंगी। ये बात मैंने पहले भी रिपीट की थी कि अगर आप बीफ के चावल बना रहे हो या आपका गोश्त ज्यादा रेड है, तो आप उसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन मैंने प्रेशर कुकर में नहीं गलाया, आपके सामने मैंने इसी में ही गलाया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी।
हमारे चावल जो हैं दम के लिए रेडी हैं। अब मैं इनमें कैरेट्स, किशमिश की लेयर लगाएंगे। और ये जो हमने बादाम रेडी किए थे, 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। ये देखें, चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं, रेडी टू ईट। ये देखें, अब मैं इसको डिश आउट करने लगी। और रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग ईद पे इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे की और बहुत आसान रेसिपी है। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।